बी अ सिचुएशन हैंडलर, सिचुएशन हैंडलर बनो। किसी भी सिचुएशन को ऐसे हैंडल करो जैसे कोई आसान काम कर रहे हो। प्रॉब्लम से, मुसीबत से घबराओ मत, डरो मत। घबराने से कुछ नहीं होता, डरने से कुछ नहीं होता। अपने हाव भाव के स्वामी बनो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हाव भाव से नहीं लगना चाहिए कि तुम डरे हुए हो या नर्वस हो। तुम्हें देखकर आसपास का माहौल भी डरावना बन जाता है। तुम खुद डरकर आसपास के माहौल को भी डरावना बना देते हो। एक डरा हुआ इंसान को देखकर दूसरा इंसान भी डर जाता है। मुसीबत में पड़े हुए इंसान को देखकर सभी भाग जाते हैं। बस अपने चेहरे के स्वामी बनो। बड़े से बड़े मुसीबत में दिमाग को शांत रखो। मुसीबत कैसा भी हो, डरने से या घबराने से मुसीबत कम नहीं होती। डरा हुआ इंसान गुलाम होता है, उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है। खुद को कभी भी डरा हुआ मत दिखाओ। अगर तुम देखोगे तो लोग तुम्हें डराकर कंट्रोल करते हैं। बड़े बड़े बाबा, मोटिवेशनल गुरु तुम्हें डराए रखते हैं। वो कहते हैं नेगेटिव मत सोचो, चापलूसी मत करो। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो तुम रोज करते हो, और उसी को गलत भी बोलेंगे, और तुम उसे मान भी लोगे क्योंकि तुम डरे हुए हो। गौर करो तो एक सिचुएशन है, और तुम्हारे बाबा, मोटिवेशनल गुरु, सिचुएशन हैंडलर, वो सिचुएशन हैंडलर है जो तुम्हें बनना चाहिए था। मुसीबत वो पैदा करते हैं और सॉल्यूशन भी वही देते हैं, और तुमसे पैसे लेते हैं। लड़कियों के मामले में भी ऐसा होता है, वो तुम्हें परखती रहती है कि तुम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। क्या तुम किसी मुसीबत का सामना कर सकते हो, कहीं तुम भाग तो नहीं जाते। वो तुमसे बेवजह नाराज होती है, तुम्हें इग्नोर करती है, पर तुम तो परेशान होकर घूमते रहते हो। और मजे की बात यह है, तुम उसी से पूछ लेते हो, नाराज क्यों हो यार, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। याद रखना, लड़कियां उसी लड़की के पास जाती है जो अच्छा सिचुएशन हैंडलर हो। उनको तुम्हारी खूबसूरती से कुछ भी लेना देना नहीं होता, और ना ही तुम्हारे रंग रूप से। वो तो तुम्हारे समझदारी की दीवानी होती है। अगर कोई अमीर खूबसूरत लड़का मुसीबत में लड़की को छोड़कर भाग जाता है, तो लड़की ऐसे इंसान को जल्द ही छोड़ देगी। और अगर किसी लड़के में डेयरिंग हो जो किसी मुसीबत का सामना बिना डरे करता है, लड़की जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। गौर करो तो लोग सिचुएशन हैंडलर के दीवाने होते हैं। तुम तुम्हारे टीचर, गुरु, बाबा की इज्जत करते हो क्योंकि वो तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं। गौर करो, तुम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो उस सिचुएशन को वही बनाता है, चाहे वो मैथ के छोटे मोटे प्रॉब्लम हो या मानसिक बीमारी से जुड़ी कोई बात। सिचुएशन हैंडलर की हमेशा इज्जत की जाती है। ये लोग कामयाब भी होते हैं क्योंकि इनके लिए हर मुसीबत एक मौका होता है पैसे कमाने का। ये खुद की मदद करते हैं और लोगों की भी। अगर तुम सिचुएशन हैंडलर बनना चाहते हो, अगर तुम इन खेलों को समझना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि सिचुएशन को कैसे बनाई जाती है और सिचुएशन से कैसे बाहर निकाला जाता है, तो वक्त बर्बाद किए बिना जल्दी मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट आईडी डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।